नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया गया है। बारिश से जल भराव की समस्या को देखते हुए ऐसा किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी में फंसे 4 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। हिमाचल प्रदेश में कई पुल पानी में बह गए। पंजाब में कई नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारतीय राज्यों में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पवार बनाम पवार के झगड़े के बाद महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक महासंग्राम के बीच उद्धव ठाकरे ने रविवार को अजित पवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वह यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए मतभेदों को कैसे संभालती है। महाराष्ट्र के मुंबई स्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास भीषण दुर्घटना हुई है। रविवार सुबह मुंबई के चुनाभट्टी में तेज रफ्तार डंपर ने 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के मुखिया और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे आज यवतमाल दौरे पर पहुंच गए हैं। यवतमाल में पोहरा देवी में दर्शन करने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोलने के लायक नहीं है। पोहरा देवी की शपथ खाकर कहता हूं, 2019 में अमित शाह ने ढाई ढाई साल तक मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में वो अपनी जुबान से पलट गए। अफगानिस्तान के फैजाबाद में रविवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिश्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात करीब 12:10 पर आए भूकंप का केंद्र फैजाबाद से 93 किलोमीटर दक्षिण पूर्व क्षेत्र रहा। साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष का हाल पूरा होता जा रहा है। फिल्म ओटीटी पर आने से पहले यूट्यूब पर लीक हो गई। लीक होते ही फिल्म के एचडी प्रिंट को 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो भगवान शिव के रोल में दिखे। अब उनके वीडियो पर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। सिसोदिया ने जमानत के लिए पत्नी की तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।